ट्रस्ट द्वारा पिछले 14 वर्षों से सामूहिक कन्या माँ विवाह किया जा रहा है, उसके अंतर्गत इस वर्ष भी 11 कन्याओं का 15 तारीख को धर्मपुर कोर्टयार्ड में शादी का प्रोग्राम है, जिसमें बारात विष्णुपुरी बेला मार्ग से लड़कियों के स्कूल से शाम को 7:30 बजे चलेगी और 7:30 बजे करीब धर्मपुर कोर्टयार्ड में पहुँचेगी। वही उसके बाद में जयमाला होगी, भामर होंगी और उसके बाद में सभी लोगों का भोजन होगा। लड़की पक्ष कन्या पक्ष के 50-50 लोगों का। इसमें कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है? 11 जोड़ों का विवाह हो रहा है। संस्था की तरफ से उनको क्या दिया जा रहा है? आप वहाँ जाके देखेंगे तो उसमें उनको उनके जीवन के उसके लिए सारी जरूरत की चीज़ें, जैसे डबल बेड है, अलमारी है, सोफा है, तो सोफा नहीं, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सियाँ हैं, उनके कपड़े हैं, रसोई के बर्तन हैं, ये सब चीज़ें करीब करीब 50,000 से ऊपर का जो है, 1 लाख रुपए के आसपास का दहेज जो है ये उनको दिया जाता है। इसमें कुछ सहयोग जो आपकी तरह संस्था सहयोग कर रही है, इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं संस्था की तरफ से हो रहा है? नहीं ले पाते हैं, लेते हैं, ये सब संस्था के अपने ही सदस्यों द्वारा जो है ये आयोजित होता है। ये साल में कितनी बार होता है सामूहिक? ये साल में एक ही जगह होता है। 15 दिन पहले एक परिचय सम्मेलन होता है, जिस परिचय सम्मेलन के अंदर लड़कों का तो पूरा बायोडाटा पढ़ा जाता है और लड़कियों का, और उनको खड़ा होकर सबको दिखाया जाता है। लड़कियों का खाली बायोडाटा पढ़ा जाता है, अगर उसमें ही ये संबंध जो है, ये रिश्ते जो है, उसी उसमें जो है ये बनती है। श्री भक्तनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 5 फरवरी 2024 को भक्तनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 5 फरवरी 2024 को रामलीला ग्राउंड पे एक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लड़के व लड़कियों के आवेदन आए थे और उस दिन सबका परिचय एक दूसरे से कराया गया था, और जिसमें उसी दिन करीब 8 जोड़े तो उसी दिन हमारे तय हो गए थे और बाकी के जोड़े उसके बाद संस्था को मिल गए तय होके, जिसमें टोटल 11 लड़कियों का विवाह संस्था द्वारा 15 मार्च दिन 2024 दिन शुक्रवार को संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें शाम 5 बजे विष्णुपुरी गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज बेला मार्ग से सामूहिक रूप से बारात चढ़ाई जाएगी, जिसमें 11 दूल्हे हनुमान जी का डोला और एक सीता जानकी का डोला होगा। और इस बार बैंड मेरठ से बुलाया गया है, राज बैंड, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई बेला मार्ग, सुदामापुरी, रामघाट रोड होते हुए लगभग 8 बजे के आसपास धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड पर पहुंचेगी, जहां पर बड़ी रूप से बारात का स्वागत करा जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री प्रशांत सिंगल जी, मेयर माननीय श्री विवेक बंसल जी, पूर्व विधायक और भी लोग इसके कार्यक्रम के अतिथि रहेंगे, जो कार्यक्रम का विधिवत रूप से स्वागत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 11 जोड़ों का मंच का कार्यक्रम, जो वरमाला फेरे का कार्यक्रम होता है, वो कराया जाएगा, और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सभी जो रीति रिवाज होती हैं हिंदू पक्ष विवाह में, वो सब संस्था द्वारा संपन्न कराई जाएंगे। अतिथि के रूप में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल होंगे, अभी काफ़ी लोगों को, शहर के DM साहब को, SSP साहब को, सभी को कार्ड न्योता दिया गया है और हमारे पास सभी के आने का आश्वासन भी है और सबकी तरफ से कहा गया है कि वो कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, है ना। और उसके बाद दूल्हा पक्ष और लड़की पक्ष व लड़के पक्ष सभी का भोजन संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा और प्रत्येक जोड़े को संस्था द्वारा घर गृहस्थी का सभी सामान, जिसमें बेड, पलंग, अलमारी, लड़की का लहंगा, लड़के के दूल्हे के कपड़े, कुर्सी, मेज, LED, बर्तन, जितना भी सामान एक गृहस्थी को अपने जीवन यापन को शुरू करने के लिए दिया जाता है, वो संस्था द्वारा पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रत्येक जोड़े को दिया जाएगा। 2.5 किलो मटरी, 2.5 किलो लड्डू, मतलब जितने भी एक रीति रिवाज होते हैं एक विवाह में, वो सभी विवाह में सभी रीति रिवाज संस्था द्वारा बड़े अच्छे रूप से संपन्न कराई जाएगी। धनराशि भी दी जा रही है आपकी संस्था? नहीं, संस्था द्वारा किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है, जेवर के रूप में जो शगुन के चांदी के बिछुए पाजेब, वो संस्था द्वारा दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा ऐसा सामान है, छोटा मोटा जो पूरा वहाँ
दिया जाता है। आपकी संस्था ये कितने साल से काम कर रही है? पिछले 14 वर्ष से ये संस्था ये कार्य कर रही है और अब तक कितने जोड़ों का विवाह हो चुका है? अब तक करीब 163 जोड़ों का विवाह संस्था द्वारा कराया जा चुका है और इस साल 11 जोड़े और ऐड हो जाएंगे।